हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यस, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो जो भी आप सीरियसली जेई मेन फेज वन जो काफ़ी अच्छा गया, जिनका कंफर्म है कि आप जे एडवांस के लिए आपका कॉल होने का चांसेस है ना, तो वो डेफिनेटली जे मेन फेज टू के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन साथ में जे एडवांस के बारे में भी सोच रहे हैं। तो चूंकि एक लॉकडाउन सिचुएशन में भी टाइम एक्सटेंड हो गया, तो आपको और उधर हो सके कि मेन्स और एडवांस के बीच में कितना गैप मिलेगा आने वाले समय में, वी डू नॉट नो दिस थिंग। तो इसीलिए जिनका मेन्स फेज वन अच्छा गया है, जो एडवांस के लिए सोच रहे हैं या सोच सकते हैं, वो तो मेंस के साथ साथ एडवांस का तैयारी डेफिनेटली कर रहे हैं, और उसी रिक्वायरमेंट को मैं ध्यान में रखते हुए ताकि ये मेंस वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो और जो एडवांस तक का सोच रहे हैं उनको फ़ायदा हो, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी पैरेलली, यानी कि लगातार हर वीडियो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप ही नहीं होगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ जिस तरह से लगातार वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें सिंगल करेक्ट आंसर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ अब मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप में भी कुछ वीडियोस तो रेगुलरली आने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सो लेट्स बिगिन। वेल, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ दिस मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एंड आई एम स्टार्टिंग विद अ थियोरेटिकल क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है ना। एंड आई होप यू टू विल लाइक टू स्टार्ट मल्टीपल करेक्ट आंसर विद अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच इज़ हैविंग लॉट्स ऑफ थियोरेटिकल आर्गूमेंट। चलिए शुरू कर देते हैं। सो इट इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट ए स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बी विथ अ सर्टेन गिवन स्पीड यू हेड ऑन, है ना, यानी कि 1D कोलिजन इन एन इलास्टिक कोलिजन। ये हेड ऑन भी है और इलास्टिक कोलिजन भी है। द मास ऑफ ए इज फिक्स, यानी कि मास से वेरिएबल नहीं है, वो एक गिवन वैल्यू है। सो यू मे ओनली चूज द मास ऑफ बी फॉर द फॉलोइंग केसेस। इनमें से बी का मास वेरी कर सकता है, और हमको यही आर्गूमेंट करना है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन इज आइदर फॉर ग्रेटेस्ट स्पीड, ग्रेटेस्ट मोमेंटम और ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। दो ऑप्शन ग्रेटेस्ट स्पीड रिलेटेड है, जब मैं एक में कह रहा है कि mb इक्वल टू ma, दूसरा में mb इज मच मच लेस देन ma, और दो और ऑप्शन है, एक ग्रेटेस्ट मोमेंटम और एक ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मास ऑफ b जो है उसका कंपेरिजन है चारों ऑप्शन में विथ रेस्पेक्ट टू द फिक्स्ड मास ऑफ a, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करने के लिए क्या करते हैं, जो बेसिक मैकेनिज्म है वो ले लेते हैं। ये है B जो कि इनिशियली एट रेस्ट है, तो इसका मास को m2 मान लिया फॉर एग्जांपल, और ये है पार्टिकल A जिसका मास m1 है, ये फिक्स्ड मास है, ठीक है। इसका मूवमेंट दिया है u, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हम लोग इसका फर्स्ट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेप्चुअली इन केस ऑफ एन हेड ऑन कोलिजन, वी कैन राइट डाउन द एनर्जी कंजर्वेशन, m1 प्लस m2 तो जीरो है बिकॉज बी इनिशियली इज सेट टू बी एट रेस्ट, सो दैट शुड बी इक्वल टू m1 इंटू यू, दैट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। v1 एंड v2 आर द वेलोसिटीज एज्यूम्ड फॉर m1 एंड m2। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दूसरा इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज इट इज काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बिकॉज इट इज इलास्टिक कोलिजन, सो हाफ m1 u स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये दोनों में से आपका काम नहीं बना, तब आप थर्ड इक्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज ई कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1 फॉर टू बॉडीज कोलाइडिंग इलास्टिकली,
और वो क्या है v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2 है ना। यानी कि यहाँ से हम लोग एक एस्टेब्लिशमेंट बना सकते हैं दैट इज़ v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u। तो हमारे पास तीन रिलेशन है ना, हमारे पास तीन मैथमेटिकल रिलेशन है, इस में से कौन सा सही है इस पर बात करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चूँकि हमको किसके किसका देखिए ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ बी है ना, ग्रेटेस्ट मोमेंटम ऑफ बी ये सब चाहिए, तो हमको इंडिविजुअली v1 और v2 का आर्गुमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, v1 को एलिमिनेट कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 3 फ्रॉम 1 एंड 3 1 और 3 से है ना, 1 और 3 जो दो रिजल्ट है उसमें से अगर देखें तो आई कैन राइट डाउन m1u इक्वल्स टू m1v1। v1 की जगह मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस, मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस u प्लस m2v2। यानी कि मैं अगर इसको लिखूं तो इधर m1 टू m1 u दैट कैन बी रिटेन m1 प्लस m2 इंटू v2। यानी कि मेरे को वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी आफ्टर कोलिजन मिल गया जो है 2m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया, मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैं v1 को इधर ले जाऊंगा तो इंस्टेड ऑफ v1 आई कैन राइट v2 माइनस u, और फिर मैंने यहाँ इस जगह v2 माइनस u सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन क्या था, m1u इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, जिसमें से मैंने v1 को रिप्लेस कर दिया v2 माइनस u और फिर ये आया। देखिए यहाँ मैंने v1 पे भी प्लस रखा, v2 पे भी प्लस रखा, मतलब मैंने एज्यूम कर लिया कि आफ्टर कोलिजन ये दोनों पार्टिकल का मोशन एक ही डायरेक्शन पे है, ठीक है। तो मेरे को तो आर्गुमेंट स्पीड से है, डायरेक्शन प्लस माइनस उससे मतलब नहीं है। तो ये आ गया हमारा v2 का रिलेशन। तो अगर v2 का रिलेशन ये है तो यहाँ से मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 तो मैं वहाँ से लिख सकता हूँ v1 कैन बी रिटेन एज v2 माइनस यू। तो v2 के जगह मैं अगर ये डाल दूँ 2m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस यू, अगर ये कर दूँ तो हमारा एक m1u कैंसिल होगा और ये बनेगा m1 माइनस m2 इंटू यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आई होप ये बात सबको समझ में आया है कि नहीं, ये कोई खास सम डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था। पहला इक्वेशन मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिया, थर्ड इक्वेशन पर मैंने गया, काइनेटिक एनर्जी पर नहीं गया क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने थर्ड इक्वेशन लिया जो कि कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, वी रिलेटिव बाय यू रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का कंडीशन है। तो उसे देखिए, मेरे को आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडी, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी दोनों का वेलोसिटी मिल गया। अब आर्गुमेंट ये है कि जब ग्रेटेस्ट स्पीड का बात कर रहा है, चूँकि ये कांस्टेंट मोमेंटम है, सो ऑब्वियसली अगर मैं ग्रेटेस्ट स्पीड या ग्रेटेस्ट मोमेंटम का बात करूँ, चूँकि मोमेंटम कंजर्व है तो मैग्नीट्यूड वाइज है ना, ये v2 जब ग्रेटेस्ट होगा चूँकि ये कांस्टेंट है, तो यहाँ हमको ये देखना है कि v2 का स्पीड कब मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना। तो v2 का स्पीड कब मैक्सिमम हो सकता है प्रोवाइडेड u इज गिवेन। तो ऑब्वियस बात है कि ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए, अगर मान लीजिए जो ग्रेटेस्ट स्पीड रिलेटेड दो ऑप्शन है आपके पास, पहला है कि mb इक्वल टू ma और थर्ड है mb मच लेस देन ma, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर मैं जितना छोटा करूँगा है ना, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा हमारा रेशियो वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, इज दैट क्लियर। डिनोमिनेटर जितना लेस होगा, जितना छोटा वैल्यू होगा
फॉर गिवन कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, चूंकि मास ऑफ ए एंड गिवन स्पीड दोनों कॉन्स्टेंट है, तो ये लेस द डिनोमिनेटर मोर विल बी द वैल्यू. तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए मेरे को इसको पॉजिटिव रखना है और मिनिमम यानी कि m2 को बहुत कम बनाना है. आई नीड टू मेक इट वेरी वेरी लेस देन m1. तो इसका मतलब हो गया कि c तो एक करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, c इज वन करेक्ट आंसर. दूसरा है अब यानी कि ये तो फिर गलत हो गया. अब फिर मेरे पास चूंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर है तो मेरे को सभी ऑप्शन पर ध्यान देना होगा. अब है कि मेरे को बी और डी को देखना है, ग्रेटेस्ट मोमेंटम एंड ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी. तो देखिए जब हमारा मोमेंटम का बात है, जब स्पीड मैक्सिमम होगा है ना, बी टू हैव ग्रेटेस्ट स्पीड व्हेन मास ऑफ बी इज वेरी वेरी लेस. तो जब मैं बहुत छोटा क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो v2 कितना भी बड़ा है बिंग m2 वेरी वेरी लेस कंपेयरिंग टू m1 तो वो बहुत छोटा हो जाएगा. तो मोमेंटम का है ना, मोमेंटम का जब ये मैं ये क्योंकि देखिए इसका कंडीशन दोनों सेम है. तो जब ये हो रहा है देन डेफिनेटली स्पीड इज कन्फर्म टू बी मैक्सिमम. लेकिन जहाँ तक मोमेंटम का बात है, मोमेंटम मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो उसमें अगर एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गया दूसरा करस्पॉन्डिंगली बहुत कम हो गया तो फिर उसका प्रोडक्ट वैल्यू मैक्सिमम नहीं हो सकता है. नाउ कमिंग टू द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बींग दिस इज कॉन्स्टेंट है ना, तो ये जब कॉन्स्टेंट है तो v2 चूंकि अच्छा जब v2 मतलब m2 अगर बहुत छोटा है देन m1, m2 जब बहुत छोटा होगा m1 के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. तो ऑब्वियसली v1 इज हाफ अगर उस कंडीशन में देखें तो m2 बहुत नेग्लिजिबल जब हो जाएगा तब ये ऑलमोस्ट u रहेगा, ठीक है ना. तो इन दैट केस वी कैन से मोमेंटम का मैक्सिमम होना तो पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन हाँ m2 कम होने से भी v2 स्क्वायर जो कि बहुत ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी मोर द स्पीड क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज सेकेंड डिग्री ऑफ द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी जब ग्रेटेस्ट होगा तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू भी मैक्सिमम होगा यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि नाउ आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस ए बी सी डी टू आर करेक्ट आंसर्स दैट इज सी एंड डी. तो इस तरह से आपका कंप्लीट है ना कंप्लीट इलेबोरेशन के साथ आपका डिस्कशन होना चाहिए और इसी तरह से आप मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ओके थैंक यू, कीप वॉचिंग.